हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नैप एडिट्स। गाइस ये वीडियो पूरा देखना। आगे मैंने एक ट्रिक बताई है कि सराउंडिंग में अगर कचरा रहेगा या फिर कोई फोटोज़ में लाइंस आती है तो उसे कैसे रिमूव करना है स्नैपसीड में। सो वो ट्रिक आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। सो गाइस हमें पैनोरामा मोड ऑन करना है कैमरा में जाके, और फिर धीरे धीरे मूव करना है कैमरा को, और फिर फ्रेंड को बोलना है कि पीछे से घूम के जाए और दूसरी जगह खड़ा हो जाए अलग पोज करके, और हमें होल्ड ऑन करना है कैमरा को जब तक हमारा फ्रेंड पहुंच नहीं जाता। उसके बाद वापस धीरे धीरे मूव करेंगे कैमरा को। हमें फ्रेंड के लिए एक लोकेशन मार्क करने की, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाए ताकि वो कंफ्यूज ना हो और फ्रेम में ना आ जाए। सो गाइस कभी कभी पैनोरामा मोड में एक लाइंस जैसा कुछ आ जाता है तो इसकी वजह से पिक खराब हो जाता है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन कैसे रिमूव करते हैं। अभी ये हमारा फोटो हो चुका है पूरा, और देखते हैं फोटो कैसा आया है। सो देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन आ चुकी है। सो इस लाइन को रिमूव करने के लिए हम स्नैपसीड में शेयर करेंगे फोटो को। उसके बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे सिंपली, और हीलिंग टूल पे क्लिक करेंगे। हीलिंग्स में जाके सिंपली वो लाइन पे क्लिक करेंगे जूम करके। गाइज हीलिंग टूल हम जूम करके यूज करेंगे बिकॉज उसका ब्रश साइज बहुत बड़ा होता है। और गाइज यहाँ पे और भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ये वुड का पीस, सो इसे भी हटा देंगे। जो जो आपको अननेसेसरी लगता है उसे सिंपली क्लिक करके रिमूव कर देंगे। सो फाइनली पिक को क्रॉप करके एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे इमेज में से। सो गाइस हमारा पिक रेडी है और हमने अच्छे से लाइन को रिमूव कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।